वर्ग दसम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी दसम वर्ग के विद्यार्थी तन्मयता से एकाग्रचित मन को धारण करते हुए इस संस्कृत व्याकरण के जो अनुच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके स्कूल विद्यालय स्तरीय टेस्ट एग्जाम के लिए अथवा बोर्ड एग्जाम के लिए यह परीक्षा में यह इस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है, इसलिए इसको एकाग्रचित होकर इसका अध्ययन करेंगे। ये पांच अंक स्तरीय है। आज हम लोग पहला जो है व्यायाम और दूसरा विद्या धनं सर्वधन प्रधानम का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये पांच अंक स्तरीय प्रश्न पूछता है और अनुच्छेद लिखते समय हम यह ध्यान रखेंगे, दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो जो आप वाक्य लिखेंगे वह व्याकरण के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। जो आप वाक्य लिखेंगे वह व्याकरण के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह कि जब भी आप वाक्य लिखें तो आप बड़ा वाक्य नहीं लिखें, आप छोटा वाक्य या मध्यम वाक्य लिखिए। इससे क्या होगा, इससे आपको यह लाभ मिलेगा कि आपका व्याकरण से संबंधित जो त्रुटि होगा वह नहीं होगा। तो अनुच्छेद लिखते समय इन दो बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। पहला, हम अनुच्छेद लिख रहे हैं वह व्यायाम का हम आप अध्ययन करने जा रहे हैं। आप हिंदी वाक्य को मन में सोचेंगे और उसका संस्कृत अनुवाद जो है उसको हाँ लिखेंगे। हम यहां संस्कृत वाक्य हम लिखे हुए हैं आपके समक्ष, इस संस्कृत वाक्य का हिंदी क्या होगा रूपांतरण उसको हम बोल देते हैं, उसको भी आप अपने फेर के कॉपी में लिख लेंगे ताकि समझ में आए। पहला वाक्य जो है व्यायाम का, पहला वाक्य जो है आपका शरीरस्य विशिष्टायाम व्यायाम कथ्यते। शरीर का खष्टी व्यक्ति है, शरीर का विशिष्ट आयाम व्यायाम कहलाता है। शरीर का विशिष्ट आयाम व्यायाम कहलाता है। दूसरा वाक्य आप देखिए, व्यायामेन शरीरं सुघटितं स्फूर्तं च भवति। व्यायाम से शरीर सुघटित और स्फूर्त होता है। तीसरा वाक्य, सर्वेषु कार्येषु मनो रोचते। व्यायाम से यहां सभी कार्यों में मन लगता है।
इससे मस्तिष्क स्वच्छ और स्वस्थ होता है। पंचम वाक्य देखिए, स्वस्थे मस्तिष्के एव स्वस्थ मनः विराजते। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन रहता है। इस तरह से ये पांच वाक्य व्यायाम का हम संस्कृत में लिखे हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण आपको हमने बोल दिया। आप अपने लिखे कॉपी में संस्कृत वाक्य और हिंदी रूपांतरण भी लिखेंगे। दूसरा अनुच्छेद आपका है विद्या धनं सर्वधन प्रधानम अथवा उत्तमं ही धनं विद्या। विद्या धन सब धन से प्रधान होता है अथवा विद्या उत्तम धन है। इसका पहला वाक्य आपका है भौतिक धनात् विद्या गरीयसी। भौतिक धन से, भौतिक धन का मतलब समझते हैं ना, भौतिक धन का मतलब होता है ना गाड़ी, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, है ना, ये सब क्या है कि भौतिक धन कहा जाता है जिसे हम देख सकते हैं। तो ये भौतिक धन से विद्या बड़ी होती है, भौतिक धन से विद्या श्रेष्ठ है। दूसरा वाक्य विद्या विनय ददाति, विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है। तीसरा वाक्य है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या को राजा पूजते हैं, विद्या की पूजा राजा करते हैं। चतुर्थ वाक्य आपका है विद्या गुणां गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं के गुरु है। और पांचवा व अंतिम वाक्य है विद्या सर्वं ददाति, विद्या सब कुछ देती है। बहुत सारे वाक्य होंगे, आप अपने मन से भी व्याकरण के दृष्टिकोण से भी लिख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी गृहकारी के रूप में, गृहकारी के रूप में सुंदर अक्षर में ये दो अनुच्छेद का संस्कृत और हिंदी निश्चित रूप से लिख लेंगे और साथ ही इसे याद भी कर लेंगे। जिस दिन वर्ग संचालित होगा उस दिन हम आप लोगों से सुनेंगे भी और लिखवा के चेक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।